सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाए किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी मती जान को आज अपरेंटली पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने मुबीना तौर पर और जो सी सी टी वी फुटज दिखाई गई उसके मुताबिक बज़ाहरा अगवा किया गया और बारह घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे आज हम इमरान खान की उन ट्वीट्स के हवाले से जो वो ट्विटर पर ट्वेंटी फोर सेवन भारत के ख़िलाफ़ देते रहते हैं और कोई दिन शायद ही खाली जाने देते हों जब वो ये बात ना करते हों, जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी किस्म का ना जिक्र पाकिस्तान के हवाले से करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर ना बयान में और ना ही इमरान खान का बीस बीस दो हजार बीस एक ऐसा साल है जो कोरोना पेंडेमिक का साल है और अब तो यही लगता है कि ये पूरे का पूरा साल कोरोना पेंडेमिक निगल गया और पीस पीस जो अमेरिका में इलेक्शन का भी साल है और वो वहाँ पर इलेक्शन और पेंडेमिक एक साथ चल रहे हैं और पूरी दुनिया में पेंडेमिक इस वक्त ना सिर्फ 2020 को खा गया बल्कि ख़तरा है ख़शा है कि अगले आने वाले कई सालों पर असर अंदाज होगा और इस हवाले से चीन इस वक्त अच्छे खासे रिडार पर है चीन की पॉलिसियाँ दुनिया के सामने आ चुकी हैं और वही पॉलिसियाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी की टोटलटेरियन रजिम की वजह से हैं वही पॉलिसियाँ भारत के साथ चीन की तरफ से एग्रेशन का बाइस भी बनी और भारत के फॉर मिनिस्टर ने हाल ही में कहा है कि भारत का जो अलाइंस है दुनिया भर के साथ वो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक है और इंडिपेंडेंट तौर पर वो ना सिर्फ इस वक्त है बल्कि आगे भी उसकी यही सूरत हाल होगी और इसके साथ साथ कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है दुनिया पर क्या उसके असरात हैं इस पर भी मैं आज बातचीत करूँगा सबसे पहले बातचीत मैं करता हूँ मती जान के एबडक्शन और फिर रिलीज़ होने के हवाले से मतियला जान पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं ख़ास तौर पर इमरान खान की इस हुकूमत के वो कड़े नक़ाद रहे हैं और आज जिस तरह उनको इस्लामाबाद में एक स्कूल से बाहर एबडक्ट किया गया चूँकि गिरफ्तार करने का जो यहाँ पर कहना है वो गलत है जिस तरह एबडक्ट किया गया उसकी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उससे साफ पता चलता है कि उनको अगवा करने वाले पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लोग थे और जब दुनिया भर में उनके अगवा होने किया आ, ये खबर पहुंची और शोर मचा तो फिर लगता है कि उनको रिहा कर दिया गया अभी तक एज़ ऑफ नाउ जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं ये हमें कंफर्म सूरत हाल नहीं है कि उनको रिहा जब किया गया और उसके बाद उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई ना तो अभी तक स्टेटमेंट सामने आई है और क्या सिचुएशन है इस पर बातचीत तो आने वाले दिनों में करेंगे सबसे पहले हमने एक वीडियो क्लिप आपके लिए तैयार किया जो फुटेज थी सीसीटीवी की जो फुटेज थी वो तो खैर ट्विटर पे सोशल मीडिया पे हर जगह देखी जा सकती है हमने उसके पीछे हबीब जादव साहब की एक नज़म जो उन्होंने बहुत साल पहले कही थी उस नजम के कुछ टुकड़े लगाए हैं चूंकि सूरत हाल माजी में भी पाकिस्तान में ऐसी ही थी और आज भी वैसी ही है और ख़दशा ये है कि अगर इसी तरह नहज रही तो बदकस्मती से फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा पहले ये सी सी टी वी के फ़ुटज पर देखिए इसके पीछे हमने म्यूज़िक के बजाय हबीब जालिब की एक नज़म के कुछ टुकड़े लगाए हैं बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है इनकी खींच ले जबां इनका घूत दे गला मैंने उससे ये कहा मैंने उससे ये कहा जिनको था जबां पे नाज चुप है वो जबांस चे है समाज में बेमिसाल फर्क है कल में और आज में अपने खर्च पर है कैद लोग तेरे राज में मैंने उससे ये कहा मैंने उससे ये कहा ये जो दस करोड़ है जहल का निचोल है इनकी फिक्र सो गई हर उम्मीद की किरण में खो गई ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई बेषूर लोग हैं जिंदगी का रोग है और तेरे पास है इनके दर्द की दवा मैंने उससे ये कहा मैंने उससे ये कहा तू खुदा का नूर है अकल है शूर है कौम तेरे साथ है तेरे ही ही, ही वजूद से मुल्क की नजात है तेरे ही, ही वजूद से मुल्क की नजात है तू है मेरे सुबह नौ तेरे बाद रात है मैंने उससे ये कहा बोलते जो चंद हैं सब ये पसंद हैं इनकी खींच ले जुबा इनका घोट दे गला जिनको था पे नास चुप हैं वो जबां दरास चैन है समाज में बेमिसाल फर्क है कल हैं और आज हैं अपने खर्च पर हैं कैद लोग तेरे राज में इमरान खान की ये जो पीटीआई की तहरीक इंसाफ की नाम नहाद इंसाफ की जो हुकूमत है इसमें किसी भी नाक़द या किसी भी मुखालिफ से बदला लेने का जो रवैया है वो इंतहाई शर्मनाक है ये बहरहाल रिलीफ की बात है कि मतीउल्लाह जान रिहा हो गए हैं हम ये समझते हैं कि मतीउल्लाह जान की रिहाई जो इतनी जल्दी मुमकिन हुई उसकी दो वजूहात हैं एक तो ये है कि खुशकिस्मती से सी सी टी वी मौजूद थी और वो फोटेज पूरी दुनिया के टेलीविजन पर पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर आनन फ़ानन फैल गई और उसमें साफ़ देखा जा सकता है कि जो पीछे लोग आते हैं इन्होंने जिस तरह की वर्दियाँ पहनी हुई हैं जिस तरह की बंदूकें थामी हुई हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ही बज़ाहिरन लोग हैं और आपने उस वीडियो फुटेज में ये भी देखा कि एक मुकाम पर मतुल्ला जान अपना टेलीफोन अंदर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं स्कूल के अंदर और सिक्योरिटी के खुफिया इदारों के ये लोग जब पुकारते हैं स्कूल के लोगों को अंदर से कहते हैं ये टेलीफोन भी दें उनको टेलीफोन भी वापस किया जाता है और इस फुटेज में वाज तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह वो मतील्ला जान को अपनी गाड़ी में डालते हैं और लेकर जाते हैं मैं ये समझता हूँ खुशकस्मती है कि ये सी सी टी वी फोटेज मौजूद थी ये एक स्कूल के बाहर वाक़ा हुआ उस स्कूल में मतील्ला जान की बेगम पढ़ाती हैं वो अपनी मिसेस को वहाँ पर छोड़ने आए थे और छोड़ने के बाद उनको एबडक्ट कर लिया गया और ये ड्रामा और या ये वाक़ जो आपने सी सी टी वी पर देखा वो आपके सामने है हबीब जालम मरहूम की हमने नजम बैकग्राउंड के तौर पर लगाई और मैंने भी पढ़कर सुनाई इस नज़म में हबीब जालब आज से कई साल पहले सदर अयूब और फिर हक तक को कहते हैं कि तंजन कहते हैं कि आप ही इस मुल्क की निजात हैं आपकी अगर कोई बात नहीं सुनेगा तो उसका गला घोंट दिया जाएगा उसकी जबान काट दी जाएगी और यही सिलसिला इमरान खान भी आगे लेकर चल रहे हैं और अफसोस ये होता है कि तहरीक इंसाफ नाम नेहाद तरीके इंसाफ का ये इंसाफी जाली लीडर ये अपने इंतकाम की और जहालत की इंतहा पर है इसी शख्स के बारे में मतुल्ला जान ने बहुत अरसा पहले बहुत महीने पहले एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये ऑक्सफोर्ड का अंगूठा छाप पढ़ा लिखा आदमी है जाहल आदमी है जो इस वक्त पाकिस्तान का वजीर अजम है और इंतकाम से भरा हुआ गरूर से भरा हुआ ये शख्स है और इसके पीछे इस्टबलिशमेंट है जिसके बारे में ये खुद ही कहता है कि मेरे पीछे इस्टेबलिशमेंट खड़ी है जबकि फौज के पीछे ऑफ कोर्स फ़ौज तो उसके पीछे खड़ी होगी जिस जो उसके आगे रेत की बोरी के तौर पर मौजूद हो तो ये रेत की बोरी रेत की बोरी के तौर पर आगे मौजूद है दुख से ये कहना पड़ता है मती जान रिहा हो गए बहरहाल ये रिलीफ है हम सब के लिए लेकिन यही वतीरा जो है वो इस गवर्नमेंट का है और इस गवर्नमेंट का जो रवैया है वो इस दिन में बदतर से बदतर सामने आ रहा है और अब पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत और बैन अकवमी कम्यूनिटीज़ ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये पाकिस्तान की इस्टैब्लिशमेंट का पपट वज़ी अज़म कभी इस मुल्क की तकदीर को बदलने देगा या नहीं देगा मगर मती जान जैसे जो बहादुर प्रोग्रेसिव लड़ने वाले सहाफ़ी और बहुत सारे एक्टिविस्ट वहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के हालात को बदलने में शायद वो कोई किरदार अदा कर सकें बहरहाल इस सिलसिले में जब मती जान के अगवा होने की खबरें सामने आई उसके बाद पाकिस्तान के वज़ी अतलात शबली नुमानी ने शबली फराज ने माफ़ कीजिएगा शबली फराज ने जो अहमद फराज के साहबजादे हैं अहमद फराज पाकिस्तान के एक नामवर इनकलाबी शायर हैं और वो मार्शलाओं के ख़िलाफ़ मज़ात की शायरी के हवाले से भरपूर अंदाज से जाने जाते हैं अब उनके साहबजादे पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट की गवर्नमेंट के वज़ी इतलात हैं और इमरान खान के दस्ते रास्ते हैं उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया वहाँ पर कुछ सहाफ़ी खड़े हुए उन्होंने कहा कि मिस्टर शबली फराज हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करेंगे जब तक मती जान की रहाई सामने ना आए और उन्होंने ये भी कहा कि हमें दुख होता है कि हमने आपके बाप की किताबें पढ़कर कर मजामत का रवैया सीखा मगर आप इस्टेब्लिशमेंट की इस गंदावनी हकूमत का हिस्सा हैं देखिए उस वीडियो क्लिप को एक तो हमें बताया जाए इसम के साथियों को तो अगवा किया जाएगा तो उसके, उसके तो पर्चा होना चाहिए और बताया जाना चाहिए और मैं तो सारी उम्र कम अज कम मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकता जब तक तो बंदे को रिलीज नहीं किया जाता हमारे साथी को और हमें वजह नहीं बताई जाती कि इसम का और एक प्लेटफॉर्म से उठाया गया है जहाँ से इस किस्म का ये सब ख्याल कब तक चलती रहेगी और मैं आपसे भी तो करता हूँ आप जिसके फ्लद हैं और जिस तर, जिस तरह तर उन्होंने अपनी एक जिंदगी गुजारी है आप भी उसी तरह गुजारेंगे और इसमें हमारी मदद भी करेंगे और हमें मज़ाक भी देंगे मैं कोशिश करने के जान के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो तो बहरहाल इस एक बहादुर जर्नलिस्ट ने अपनी आवाज उठाई पाकिस्तान के वजीर ए शिबली फराज़ के सामने और उन्होंने कहा कि आपके बाप की किताब में पढ़कर हमने हक और मज़ाहमत की बात सीखी और आप इस गवर्नमेंट में अब वजीर ए के तौर पर बैठे हुए हैं बहरहाल अब वो मतियल्ला जान साहब रिहा हो चुके हैं शिबली फराज़ इस बात का क्या जवाब देते क्या जवाब दे सकते हैं वो तो ख़ुद इस हुकूमत का हिस्सा हैं ये है सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की अब आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि मतील्ला जान हो या पाकिस्तान में कोई भी लापता होने वाला शख़्स हो उसके बारे में ये हुकूमत क्या रवैया अपनाती है जिसकी हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है मतील्ला जान की रहाई तो जैसा कि मैंने कहा मुमकिन हो सकी मेरी जतीि राय में दो वजूहात की बुनियाद पर एक तो ये कि सी सी टी वी मौजूद थी और वह फौरी तौर पर मंजर आम आई और दुनिया में शोर मचा असल में सी सी टी वी की मौजूदगी ही एक नेमत थी उस शख्स की अब इस मौका पर जान बचने के हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि वो सेफ रहेंगे पाकिस्तान में और ये वो आ, हकूमत है जिसके हवाले से इस जर्नलिस्ट ने बहुत अहम बात की उन्होंने कहा अगर आप को किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है उसके खिलाफ एक पर्चा दर्ज करें उसको एबडक्ट करने की यूं उठा के ले कर जाने की दिन दहाड़े जैसे को बदमाश होते हैं शिक्रे होते हैं ये सिक्योरिटी इदारे नहीं हैं ये क्या है ये लोग आते हैं वर्दियों में आते हैं उठा के ले जाते हैं और अगर ये जैसा कि ये हुकूमत का ही हिस्सा है अगर क्या ये जैसा कि हुकूमत का ही हिस्सा है तो फिर ये पर्चा क्यों नहीं दर्ज करते मतीउल्लाह जान कोई ऐसे शख्स तो नहीं जो मफरूर थे या कोई जहादी थे या कोई टेररिस्ट थे ये तो एक घर में रहने वाले एक, एक इनोसेंट लेकिन बहादुर सहाफ़ी थे आपको उनके ख़िलाफ़ कोई भी शिकायत आप उनके घर जा कर उनको पकड़ लीजिए उनको हथकड़ियाँ लगा लीजिए एक पर्चा दर्ज कीजिए लेकिन हथकड़ियाँ भी तब लगाइए अगर आपके पास कोई कानूनी ज़वाब है अगर कोई कानूनी ज़वाब नहीं है उनसे बैठ के बात कीजिए कि भाई आपकी ये बात हमें पसंद नहीं वो कहेंगे मेरा ये हक है बात करने का लेकिन ऐसा सिविलाइज रवैया पाकिस्तान में क्या कभी हो सकेगा जिसका इम्कान इस वक्त के हालात के मुताबिक तो नहीं लगता चूँकि इमरान ख़ान दूसरी तरफ इस तरह के हालात को रोकने इस तरह की जो घनावनी हरकतें हैं उसको रोकने की बजाय ट्विटर पर बैठे हुए भारत को कश्मीर के हवाले से सुबह शाम लेक्चर देते रहते हैं दो ट्वीट्स मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करूँगा पहले तो चलिए मैं कश्मीर के हवाले से ही इमरान खान की ट्वीट पढ़ता हूँ कहते हैं कश्मीरीज Kashmiris right of self-determination is recognized by the UN Security Council and under international law. We will continue to fight for justice for Kashmiris as they struggle against the brutal and illegal actions of Hindutva, supremacist Indian government and IOJK. I know that justice will prevail. वर्ड इस्तेमाल किया फाइट ठीक है फाइट स्ट्रगल के लिए भी है मगर इसमें उसके छुपे हुए कि जो सत्तर साल से हम फ्रीडम के नाम पे एक प्रॉक्सी टेररिज्म कर रहे हैं उसको अब फाइट के तौर पे हम कंटिन्यू करेंगे अगर ये ये सब इनके कहने की बातें हैं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि भारत में कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त 2019 को चेंज हुआ यूनियन टेरिटरीज बनी और ये इमरान की गवर्नमेंट में हुआ जो कश्मीर के जो सो कॉल्ड फ्रीडम की बात करने वाले ग्रोह हैं उसके ये सरबरा हैं इस वक्त यानी वज़ी अजम पाकिस्तान हैं ये उनके दौरे हुकूमत में हुआ अब ये ट्विटर पर बैठे हर दूसरे रोज़ कम अज़ कम इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं मगर ये, ये इनकी इस्टेबलशमेंट अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं के भारत के 5 अगस्त 2019 के एक्शंस को जो एक बहुत ही बड़ा तरीह एक्शंस था एब्रोगेशन आर्टिकल 35 ए थ्री सेवेंटी उसको जो रिवोक हुआ उसको ये अन कर सकें और ये कहते हैं कि हम फाइट करेंगे जो होना था वो हो चुका अब शायद इससे भी आगे कुछ इकदाम हों लेकिन ये इनके माइंड सेट का आलम है माइंड सेट का जहाँ तक ये सिलसिला है ये रवैया है आपको मैं एक दूसरा ट्वीट दिखाता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ़ एक सादा सी बात का है कि कोरोना पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है इमरान ख़ान कोरोना पैंडमिक के सिलसिला में भी भारत को एक बदकिस्मत मुल्क करार देते हैं उन्होंने उर्दू में और इंग्लिश में ट्वीट की उर्दू में उन्होंने लफ्ज़ बढ़ता बदकस्मत इंग्लिश में वो कहते हैं मैं पहले पूरी ट्वीट पढ़ता हूँ pak is amongst the fortunate countries where covid-19 cases in hospitals especially in intensive care and death rate have gone down unlike in our unfortunate neighbor india this positive trend has been the result of smart lockdown policy and the nation observing government sops तो ये है इमरान खान की दूसरी ट्वीट यानी इसमें भी जब पेंडेमिक का मामला पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है इमरान खान भारत के साथ अपना कंपैरिजन करने से बाजी आए और वो इसमें भी अपसेस्ड हैं वही वही इंडिया अपसेस्ड चलिए उनके नंबर्स को हम देखते हैं इस वक्त की जो सूरत हाल आप स्क्रीन पे देखिए इंडिया में जो कन्फर्म्ड केसेस हैं एज ऑफ टुडे जुलाई ट्वेंटी फर्स्ट एक मिलियन पंद्रह लाख ,00 और एक मिलियन एक लाख पचपन हज़ार एक सौ इक्यानवे यानी वन पॉइंट वन मिलियन से ज़्यादा हैं वहाँ पर भारत में जो कन्फर्म केसेस हैं और डेथ्स जो हैं वो ट्वेंटी एट थाउजेंड से ज़्यादा हैं उधर आप स्क्रीन पे देखेंगे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है वो कन्फर्म्ड केसेस हैं दो लाख छियासठ हज़ार पाकिस्तान में जो डेथ्स अब तक सामने आ चुकी हैं वो पांच हजार सौ उनतालीस अब भारत की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान से वो गुना से ज्यादा है बिलियन पॉपुलेशन है भारत की पाकिस्तान की है ऑलमोस्ट टू हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन अब आप मैथमेटिक्स को ही कर लीजिए। वैसे तो ये पेंडेमिक के मामले में कंपेयर करना मैथमेटिक्स का जो मामला है वो अफसोसनाक है वो वो जचता नहीं मगर चूँकि इमरान ख़ान ने यह काम ख़ुद ही अपनी ट्वीट में किया तो मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है अगर आप मैथमेटिक्स में कर लीजिए तो पाकिस्तान अगर आप छः से मल्टीप्लाई करते हैं पाकिस्तान के कंफर्म केसेस और छः से डेथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी भी पाकिस्तान के ज़्यादा हैं ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है इमरान ख़ान से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसमें आप स्कोरिंग करें ये एक दुनिया में ट्रेजिडी है जो सब मुल्कों में आई है लेकिन चूंकि आपको सवाए क्रिकेट के कुछ नहीं आता आ, मैथमेटिक्स भी नहीं आता सिर्फ क्रिकेट आती है कि क्रिकेट में कितने स्कोर किसने किए किसने नहीं किए तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं तो इस हिसाब से भी अभी जो एज ऑफ टुडे पाकिस्तान की सूरत हाल डेथ रेट्स में भी और जो कंफर्म केसेस ना इंडिया की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हुए वो ज़्यादा है अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्रिकेट मैच का पेंडेमिक के सिलसिला में इतना ही शौक है तो आप अमेरिका से कर लीजिए अमेरिका की आपसे पॉपुलेशन तो डेढ़ गुना है सिर्फ वो तो ऑलमोस्ट थ्री थर्टी मिलियन है आप ऑलमोस्ट टू ट्वेंटी मिलियन है इंडिया अमेरिका में बदकिस्मती से एक लाख तरतालीस हजार डेथ्स हो चुकी हैं और चार मिलियन के करीब कन्फर्म केसेस हैं तो इस हिसाब से तो आप क्रिकेट जीत गए लेकिन यह बचकाना रवैया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और उनके हामी लोगों मैं आपसे यह कहना चाहता हूं अपने तजिए में यह इंतहा अफसोसनाक है और इंतहाई बेवकूफाना है लेकिन बहरहाल आप इसी रवैय से इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे जिसका फायदा बदकस्मती से दुनिया को ही होगा और नुकसान आपको होगा आज हम बातचीत करेंगे साउथ एशिया के अलावा अमेरिका के इलेक्शन 2020 ट्वेंटी पेंडेमिक आ, के सिलसिला में दुनिया की जो एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल सूरत हाल है और कैनेडा की सूरत हाल को भी मैं पहले अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने मास्क पहनने को बिल आकर कर दिया उन्होंने कहा कि वी आर यूनाइटेड इन आर एफर्ट टू डिफ़ीट द इनविजिबल चाइना वायरस

अपने बारे में बार बार कहते हैं कि मैं फेवरेट प्रेसिडेंट हूं और वो हैं कुछ के ऑफ कोर्स हैं आ, मुझे भी जो इस वक्त की अमेरिका की गिवन लीडरशिप है जो आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रम्प रिलेटिवली बेहतर चॉइस लगते हैं उनके तमाम तर ब्लंडर्स के बावजूद अगर मैं अमेरिकन हूँ तो मैं ज़रूर प्रेसिडेंट ट्रम्प को वोट दूंगा ये एक अपनी आ, मेरी असेसमेंट है वजह ये है कि चॉइस ही नहीं है दूसरी तरफ आपके पास जो बाइडन है आ, जो बाइडन कंफ्यूज हैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज है आ, हेल्थ वाइज भी लगता नहीं कि वो बहुत साउंड हैं प्रेसिडेंट ट्रंप बहरहाल जिस भी ए, सिचुएशन में है लेकिन एक बात तय है कि वो अपने तमाम तरह बलेंडर्स के बावजूद ही हैज़ करज टू कॉल स्पेड अ स्पेड वो बुरे को बुरा कहने की हिम्मत रखते हैं वो बार बार जो चाइना को कह रहे हैं कि चाइना वायरस इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जिस तरह स्पेनिश फ्लू था ये चाइनीज फ्लू है बिकॉज ऑफ खास खासतौर पर ये जो फ्लू है बिकॉज ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरीके से छुपाया इस वायरस के ओरिजिन को जिस तरीके से पूरी दुनिया को एक्सेस नहीं दी शुरुआत के दिनों में यह वायरस पूरी दुनिया में फैला अब यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है पूरी दुनिया की ज़िंदगी अभी भी पैरालाइज है अमेरिका की सबसे ज़्यादा अपर पैरालाइज है वहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं मगर एक्टिविटीज़ का नतीजा आप देख रहे हैं कि वहाँ पर दिन में साठ साठ सत्तर सत्तर हज़ार केसेस सामने आते हैं भारत में भी अब काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं मगर 1.3 बिलियन लोगों का मुल्क यहाँ पर ऐसी बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी लोगों की है भारत में जिनको अगर डेली कमाने का मौका ना मिले तो वो खा नहीं सकते तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और वहाँ पर जो एहतियात है वो कैसे मुमकिन हो लेकिन एज अपोज टू भारत जिस अमेरिका की जो पॉपुलेशन है आलमोस्ट थ्री थर्टी बिलियन है जो आलमोस्ट लेस दिन आलमोस्ट वन फिफ्थ है वहाँ की सूरत हाल बड़ी गंभीर है इसलिए कि अमेरिका की जिंदगी बिल्कुल ओपन रही है पूरी दुनिया की जो uh, फ़्लाइट्स हैं आती जाती रही, वो इन्होंने uh, मार्च में uh, बंद की और मकमल तौर पर बंद हुई अप्रैल में जाके वायरस फैल चुका है और अमेरिका एक आप सब जैसा कि जानते हैं बड़ा पचीदा मुल्क है बहुत डाइवर्स कम्यूनिटीज़ हैं बहुत डायवर्स लेवल्स हैं इकॉनमी के और वो सारी सिचुएशन वहाँ पे है वहाँ पर भी अमेरिका में भी इस वक्त जो फ़ूड स्टैम्प पे मिलियंस एंड मिलियंस लोग रहते हैं जो जो अपना खाना वो फूड स्टैम्प के ज़रिए ही ले सकते हैं तो अमेरिका में जो आ, अमीर लोग हैं या जो बहुत ही एफ्लुएंट लोग हैं वो वो बहुत ज़्यादा नहीं है मिडिल क्लास अमेरिका में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मगर लोअर क्लास भी काफ़ी बड़ी है अब अमेरिका इस पेंडेमिक का शिकार है और 2020 का इलेक्शन भी इसी साल है और इन दिनों बहुत गंभीर बैसे हैं मैंने जैसा पिछले अपने शो में कहा था कि जो कुछ भी इस वक्त अमेरिका में हो रहा है एक्सीडेंटल या uh, प्लेंट yeah, जो भी कुछ हो रहा है वो अब इलेक्शन से ही जुड़ रहा है वहाँ पर मीडिया के जो लोग हैं उन पर डिफरेंट तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं जो कंजर्वेटिव का हामी मीडिया है वो फॉक्स uh, खास तौर पर उनके कई एंकर्स के ख़िलाफ़ सेक्सुअल एब्यूज़ के स्कैंडल्स भी सामने आ रहे हैं किताबें लिखी जा रही हैं उस तरह जबकि दूसरी तरफ वो भी कोशिश कर रहे हैं कंजर्वेटिव के कैंप वाले भी कि जितना ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको डेमोक्रेट्स के खाते में डाला जाए अगर डेमोक्रेट्स उनके पीछे हैं तो भी अगर नहीं हैं तो भी तो ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका में है बहरहाल पेंडेमिक ने ना सिर्फ ये कि अमेरिका में ज़िंदगी को मफ़लूज़ किया हुआ है बल्कि पूरी दुनिया में मफलूज किया हुआ है लेकिन अमेरिका में इलेक्शन के साल होने की वजह से पहले तो सदर ट्रम्प मास्क पहनने की मुखालफत करते रहे लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कल ये ट्वीट दे दिया अपने मास्क पहने हुए चेहरे के साथ उन्होंने कहा कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन ना हो तो फिर मास्क पहनना ही चाहिए वाकई अमेरिका में ऐसी सूरत हाल है बहुत सारी जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं है और फिर कुछ ऐसे ग्रो अमेरिका में भी हैं कैनेडा में भी हैं और यूरोप में भी हैं जो मास्क ना पहनने को अपनी शख्स आज़ादी करार देते हैं बहरहाल ये भी एक बड़ी सेंसिटिव डिबेट है यहाँ टोरंटो में यहाँ जीटीए में ऑनटेरियो में बी केसेस कुछ बढ़ना शुरू हुए उसकी वजह ये है कि जो केसेस बढ़ना शुरू हुए उसके बारे में जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ कह रही हैं वो ये कि जो इस वक्त यंग लोग हैं 20 साल से 40 साल की उम्र के दरमियान वाले वो पार्टीज़ कर रहे हैं बार्स में जा रहे हैं उससे ये स्प्रेड हो रहा है और जो नए रेट सामने आ रहे हैं इन्फेक्शन के वो आ, उस एज ग्रुप में ज़्यादा आ रहे हैं कनाडा में काफ़ी हद तक काबू पाया कनाडा की सरकार ने जिसका क्रेडिट जस्टिन टूडो साहब को मिला मगर जस्टिन टूडो साहब बहुत क्रेडिट लेने के बावजूद इस वक्त अंडर फायर हैं वी चैरिटी के स्कैंडल के सिलसिला में जिसमें वो ख़ुद भी उनकी फैमिली के लोग भी और उनकी गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यू ई वी जिस का जो सालाना बजट है वो एक बिलियन डॉलर के करीब होता था बहुत बड़ा स्कैंडल है जस्टिन टूडो इस सिलसा में ठीक ठाक स्कैंडल का हिस्सा हैं यहाँ पर कनाडा की अपोजिशन के इंटरिम लीडर एंड शेर ने लिबर पार्टी के एमपी से कहा है कि वो जस्टिन टूडो पर दबाव डालें कि वो इस्तीफ़ा दें आखिर में हम चीन भारत के जो बिगड़ते हुए सर्द जंग के मामला हैं उसके हवाले से रिसेंटली भारत के फॉरम मिनिस्टर जयशंकर जी का एक इंटरव्यू सामने आया उसमें उन्होंने बहुत ही वाइज़ तरीके से इस बात की निशानदेही की कि ये कहना कि भारत किसी एलाइंस का हिस्सा है भारत किसी एलाइंस का या दूसरे लफ्ज़ों में वो जो एक पुराने ज़माने के होते थे ब्लॉक्स या कैंप्स उसका हिस्सा नहीं है स्ट्रैटिक अलाइंस ज़रूर है कोड में है भारत बहुत सारे अलाइंस में शामिल है भारत बहुत सारे जो बिजनेस एल एलाइंसिस में जैसे ब्रिक्स था उसमें चाइना के साथ भी शामिल था वो तो चाइना की जो एक्सपेंचनज़म की थ्योरी है या उसका जो रवैया है उसकी वजह से भारत को पीछे हटना पड़ा और फिर चाइना ने एग्रेशन का मुजाहरा किया लद्दाख में उसके बाद भारत ने उनकी एप्स को ब्लॉक किया तो अब चीन को समझ आई कि ये हम जो एग्रेशन कर रहे हैं ये इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से भी हो सकता है बहरहाल भारत के फॉर्म मिनिस्टर जयशंकर का ये कहना इस हवाले से बहुत अहम है कि भारत स्ट्रेटजिकली दुनिया में एक बहुत ही अहम मुल्क है और खास पर साउथ एशिया में साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही अहम मुल्क है या दूसरे लफ्ज़ों में ईस्ट में अब दुनिया के अगर दो बड़े हिस्से किए जाएँ तो ईस्ट और वेस्ट है तो ईस्ट में भारत और चीन दोनों बहुत अहम मुल्क हैं और दोनों की अहमियत शायद इक्वली तो मैं ना कहूँ बल्कि भारत की कुछ हवालों से अहमियत ज़्यादा है वो हवाले हैं भारत की डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए चीन के पास अभी जो इस वक्त जो एज है वो मजबूत इकानमी का है चूँकि चीन ने जो इकानमी अपनी मजबूत की ड्यूरिंग द पास्ट थर्टी ईयर्स भारत उसमें बहुत देर के बाद जंप इन किया नाइन्टी uh, uh, 91 से अपनेटली जो लगता है भारत उसमें आया चीन उसमें कोई एटी फाइव और नाइनटीन नाइन्टी से uh, अपनी इकनॉमिक रिफ़ॉर्म्स या बिज़नेस रिफ़ॉर्म्स जिसकी वजह से चाइना ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की अब उन कंपनियों का अंदाज़ा हो रहा है कि उस बबल में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बबल में अब मज़ीद रहना मुमकिन नहीं क्योंकि उनके जो कैपिटलिज्म के जो फार्मूले हैं वो भी झूठे हैं जाली हैं और वो जो लिबर लिब्रेशन की जो तो को थी वेस्टर्न वर्ल्ड को चीन से कि शायद हम इनको कैपिटलिज्म में जगह देंगे तो ये अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सोशल स्ट्रक्चर को भी डेमोक्रेटिक बनाएंगे ऐसा नहीं हो सका और कोविड नाइन्टीन ने साबित कर दिया कि चीन की जो नफेरियस पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह नहीं जाएंगी जब तक चीन में एक तरह से डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन नहीं आएगा जब तक चीन में कम्युनिज्म का ये स्ट्रक्चर है कम्युनिज्म की ये पार्टी है किसी किस्म की बेहतरी की तो को नहीं है आज का बिला तल्फ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे